नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म आराधना से ये गीत है रूप तेरा मस्ताना। इसे ओरिजिनली गाया था किशोर दा ने, म्यूजिक सचिन दा का था और लिरिक्स आनंद बख्शी जी का था। गाना आपका सी मेजर में है और मैं बीट के साथ मैच करने के लिए बार कॉर्ड यूज करूंगा। आप चाहे तो केपो को थर्ड फ्रेट पर लगा के ए मेजर में जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको बार कॉर्ड और ओपन कॉर्ड दोनों मिल जाएंगे। गाना आपका सी मेजर में है लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल नहीं है, जिसे मिक्सोलिडियन मोड या मिक्सोलिडियन स्केल भी कहते हैं, और इसलिए इसमें जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लेसन के एंड में सारे कॉर्ड और स्ट्रमिंग पैटर्न डिटेल में हमेशा की तरह जरूर देखेंगे और गाने के स्केल और कॉर्ड में जो खास बातें हैं उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन मेरा साथ देंगे शाही राज। तो आइए देखें रूप तेरा मस्ताना। आइए देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना आपका सी मेजर में है लेकिन ये आपका मिक्सोलिडियन मेजर स्केल है और इसमें आपका सबसे मेन कॉर्ड जो है वो आपका सी सेवेंथ। अगर आप सी बजाना चाहें तो वो भी बजा सकते हैं, वो भी सुनने में बुरा नहीं लगेगा। इसके अलावा जी माइनर, इन दो कॉर्ड से आपका प्राय प्राय पूरे गाने में काम चल जाना चाहिए। एक दो जगह आपने एफ भी यूज किया है, बी फ्लैट मेजर भी यूज किया है, जी माइनर सेवेंथ भी यूज किया है और इंटरल्यूड म्यूजिक में एक दो जगह हमने ए माइनर और ए सस्पेंडेड फोर भी यूज किया है। और अगर आप ओपन कॉर्ड बजाना चाहें तो केपो को थर्ड फ्रेट पे लगाएं और सी मेजर की जगह ए मेजर में बजाएं, सी सेवेंथ की जगह ए सेवेंथ कॉर्ड, जी माइनर की जगह ई माइनर, जी माइनर सेवेंथ की जगह ई माइनर सेवेंथ, बी फ्लैट मेजर की जगह जी और एफ मेजर की जगह डी। अगर आप ये ए सेवेंथ कॉर्ड न बजाना चाहें तो वहां पर आप ए मेजर भी जा सकते हैं, वो भी सुनने में सही लगेगा। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न देख लें। मैंने इस तरह से बजाया ट्रैक के साथ। अगर आप ये म्यूटिंग इफेक्ट्स ना लगाना चाहें तो अब यूं ही बजा सकते हैं। ओपन कॉर्ड में वही पैटर्न है।
तो आइए देखें आज के गाने में जो हमने स्केल यूज़ किया, जो कॉर्ड्स यूज़ किए, उनमें क्या खास बातें हैं। गाना आपका सी मेजर स्केल में था, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल नहीं था। इसे हम मिक्सोलिडियन स्केल या मिक्सोलिडियन मोड भी कहते हैं। और इस स्केल पर बनाए गए और भी बहुत से हिट गाने हैं जिन पर मैंने लेसन्स बनाए हैं, उनके लिंक्स मैं आपको दूंगा, आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए स्केल को थोड़ा डिटेल में समझें और देखें कि गाने में जो हमने आज कॉर्ड्स यूज़ किए वो वहाँ पर कैसे फिट किए गए। भाई गाने के स्केल को देखें, गाना आपका सी मेजर में है, लेकिन ये आपका मिक्सोलिडियन मेजर स्केल है। तो सी मेजर में आपके नोट्स होते हैं यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे स्वर शुद्ध। लेकिन जब आप मिक्सोलिडियन मेजर स्केल यूज करते हैं तो उसमें नोट्स होते हैं आपके, ये नोट जो है आपका बी फ्लैट नोट, ये आपका कोमल नी का काम करता है, यानी कि आपके सारे स्वर शुद्ध, सिर्फ नी कोमल। और इसी बी फ्लैट नोट के कारण जो है इस स्केल में हम दो एक कॉर्ड बजा पाते हैं जो कि स्टैंडर्ड मेजर स्केल में नहीं बजा पाते। तो आपने देखा होगा हमने कई जगह सी सेवंथ बजाया, तो सी सेवंथ कॉर्ड में नोट्स होते हैं आपके सा, शुद्ध गा, पा और कोमल नी। ये कोमल नी यानी कि बी फ्लैट नोट, इसी बी फ्लैट नोट के कारण जो है आप सी सेवंथ कॉर्ड बजा पा रहे हैं। इसके अलावा गाने में आपने देखा होगा हमने जी माइनर कॉर्ड यूज किया, और जी माइनर में आपके नोट्स होते हैं जी, बी फ्लैट और डी, और फिर वही बी फ्लैट के कारण जो है आप इस गाने में जी माइनर कॉर्ड बजा पा रहे हैं। अगर ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल होता तो उसमें आप जी मेजर बजा पाते, और इसी बी फ्लैट के कारण आप इस गाने में बी फ्लैट मेजर बजा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो पूरे गाने को सी मेजर, बी फ्लैट मेजर और एफ मेजर के साथ बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप सी सेवंथ और जी माइनर बजाते हैं तो इन दोनों कॉर्ड्स के साथ आपको इस गाने का फील मिल जाएगा। तो जैसा अभी आपने देखा गाना आपका सी मेजर में था, लेकिन हमने सी, एफ और जी की जगह सी, एफ और जी माइनर यूज़ किया, सी सेवंथ यूज़ किया, और पूरे गाने में जो मूड था वो सी सेवंथ और जी माइनर कॉर्ड्स के जरिए बनाया गया। मिक्सोलिडियन स्केल पर बहुत से गाने हैं और मैंने कई पर लेसन्स बनाए हैं, उनके लिंक्स मैं आपको दूंगा, आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। इस स्केल में जो है सारे स्वर शुद्ध होते हैं, सिर्फ नी कोमल होता है, और जनरली इस स्केल पर बनाए गए गानों में सा यानी कि जो टॉनिक नोट है उस पर एक मेजर कॉर्ड मिलेगा, कोमल नी पर एक मेजर कॉर्ड मिलेगा, और शुद्ध मध्यम पे भी एक मेजर कॉर्ड मिलेगा। यानी कि इस गाने के स्केल को अगर आप लेके चलें तो इसमें आप सी, एफ और बी फ्लैट कॉर्ड के साथ काम चला सकते थे, लेकिन म्यूजिशियंस ने बड़ी खूबसूरती से इस गाने में जी माइनर यूज़ किया, सी सेवंथ यूज़ किया, और ये दो कॉर्ड जो है इस गाने को अपना एक रोमांटिक सा फील देती हैं। बॉलीवुड के गानों में कई तरह के स्केल्स, कई तरह के कॉर्ड प्रोग्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में अगर आपको और जानकारी हासिल करनी हो तो आप मेरे वेबसाइट पर जाएं khasbaat.in, वहाँ आपको मेरे सारे लेसन सजाए हुए मिल जाएंगे, आने वाले लेसन के अनाउंसमेंट्स भी मिलेंगे, और लेसन को खोजने में आसानी भी होगी। इसके अलावा हाल में ही मैंने खास बात बुक भी पब्लिश किया है, ये एक हैंडबुक है, अगर आप रिदम गिटार बजाते हैं तो आपके बहुत काम आएगा। इस बुक में आपको बहुत से गानों के कॉर्ड्स मिल जाएंगे और आपको स्केल्स और कॉर्ड्स के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो कि मैंने अपने लेसन में बताए भी हैं। इस बुक को आप ज़रूर खरीदें, आपके काम आएगा। आपको अच्छा लगे तो आपने जहाँ से खरीदा वहाँ पर अपना एक रिव्यू भी दें। आप चाहें तो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर भी जाके कॉमेंट्स दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसे बुक्स और पब्लिश करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।